कांग्रेस अध्यक्ष की कमान सोनिया गांधी को दिए जाने को लेकर लगातार पार्टी पर सवाल उठ रहे हैं। विरोधी कांग्रेस को गांधी परिवार की कठपुतली बता रहे हैं। शिवसेना ने तो कांग्रेस को पुराना मीना बाजार तक करार दे दिया, लेकिन अब लोकसभा में नेता विपक्ष अधीर रंजन चौधरी ने इन सब आरोपों पर जमकर पलटवार किया है। साथ ही वो वजह भी बताई है जिसके लिए सोनिया गांधी को एक बार फिर कांग्रेस अध्यक्ष बनाया है। देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस उस दौर में पहुंच गई है जहां उसके हाथ बार बार हार लग रही है, नेताओं में बगावत छिड़ रही है। अब ऐसे में भला कब तक कांग्रेस को नेतृत्व विहीन रखा जा सकता था। राहुल गांधी को अध्यक्ष पद पर बने रहने के लिए मनाने की कोशिश की गई, लेकिन जब राहुल ने जद नहीं छोड़ी तो सोनिया को कांग्रेस की कमान संभालनी पड़ी। इसी फैसले को लेकर विपक्षी दल लगातार सवाल उठा रहे हैं, लेकिन आज लोकसभा में नेता विपक्ष अधीर रंजन चौधरी ने बीजेपी और शिवसेना पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस एक मजबूत विचारधारा वाली पार्टी है जिसकी हर जगह पहुंच है। पार्टी को नए आयाम पर पहुंचाने के लिए ही सोनिया गांधी को जिम्मेदारी सौंपी गई। उन्होंने कहा कि पार्टी को एकजुट करने के लिए गांधी परिवार का अध्यक्ष पद पर रहना जरूरी है, क्योंकि गांधी परिवार ही कांग्रेस को एक सूत्र में बांध सकता है। बीजेपी नेताओं की बोलती बंद करने के लिए नेता विपक्ष ने अमित शाह और पीएम मोदी का उदाहरण भी दिया। उन्होंने कहा कि मोदी और शाह के बिना बीजेपी का कोई वजूद नहीं, इन दोनों की वजह से ही पार्टी चल रही है। वैसे ही कांग्रेस को गांधी परिवार ही संभाल सकता है। अधीर रंजन चौधरी का ये बयान बीजेपी और शिवसेना के उस वार पर आया है जिसमें हाल ही में बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने कांग्रेस पर परिवारवाद का आरोप लगाते हुए कहा था कि राहुल गांधी आउट हुए तो नई बल्लेबाज के तौर पर सोनिया गांधी आ गईं और प्रियंका गांधी पैड बांध कर बैठी हैं। वहीं शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना के संपादकीय में लिखा था कि कांग्रेस दिल्ली का मीना बाजार बन गई है जहां सिर्फ पुराने ग्राहक घूमते नजर आते हैं। इन बयानों ने कांग्रेस के क्रोध को इस कदर बढ़ाया कि अधीर रंजन चौधरी ने बीजेपी को आईना दिखा डाला। टीवी लाइव की रिपोर्ट।